अभाग्य से हमारा धन, नियति से यश, मुसीबत से जोश, रोग में स्वास्थ्य और मृत्यु में हमारे मित्र छिन जाते हैं। पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, और वो है सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे दोस्त की है जो कि कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पशु है, जानवर है। एक जानवर और जानवर जो कि गधा था और उसकी मालिक, इन दोनों की दोस्ती भी अजीब थी। दोनों इतनी दोस्ती में रहते थे कि सब एक दूसरे को अपना सब कुछ समझते थे और दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब परिस्थिति बदल जाती है और ऐसा समय आता है कि उस व्यक्ति को अपने सच्चे दोस्त, सबसे अच्छे मित्र से अपना हाथ छुड़वाना पड़ता है और दूरी रखनी पड़ती है। एक व्यक्ति था जो जंगल में जा रहा था। उसके पास एक गधा था। थोड़ी देर चलने के बाद वह गधा साथ में बातचीत करता हुआ आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ने के बाद एक गड्ढे में गिर जाता है। वह गधा काफ़ी कोशिश करता है कि उस गड्ढे से निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। उसका मालिक भी जो रहता है, जो उसका सच्चा साथी रहता है, वो अभी जी तोड़ में मेहनत करता है, कोशिश करता है कि कैसे भी अपने दोस्त को निकाल लूँ, अपना साथ रहने वाले हम सफर को निकाल लूँ, लेकिन वो नहीं निकाल पाता है। काफ़ी मेहनत के बाद भी जब गधा गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता है, तो आदमी ने काफ़ी उपाय करके, बहुत सारे व्यक्तियों को बुलाकर भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो जब हार गया, थक गया, तब उसने एक उपाय सूझा और वो बेचारा अपने गधे को देखकर उदास होकर मन को मारता हुआ एक विचार करता है कि अब मैं इस गधे को बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। तो अंत में विचार करता है कि गधे को इसी गड्ढे में दफन कर दिया जाए। दफन करना नाम भी उसके लिए मुश्किल था लेना, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि वह उसे उस कीचड़ में डूबता हुआ और बिलखता हुआ देख भी नहीं सकता था। उसने विचार किया कि यदि इसे दफन कर देता हूँ तो इसे कम से कम दूसरे जंगली जानवर इसे मार कर खाएंगे तो नहीं, इसे और भी नहीं तकलीफ देंगे। इसलिए उसने एक उपाय सोचा और उस गड्ढे को, जिस गड्ढे में फंसा था, उसमें मिट्टी लाला की डालता गया, ढेर सारी मिट्टियाँ डालता गया। तभी एक अचानक ऐसा समय आता है कि उस मिट्टी के डालने के बाद गधा जो था वो मिट्टी पे पैर रखता हुआ उससे बाहर आने लगा। तब तो उस मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने और देखा ना तो और दौड़ दौड़ कर भागता हुआ मिट्टी के कबूचा ला के उसमें डालता गया ताकि उसका जो साथी है वो निकल पाए। डालते डालते एक समय ऐसा आता है कि मिट्टी के ऊपर आ जाता है गधा और उस गड्ढे से निकल जाता है। दोनों एक दूसरे को पाकर काफ़ी खुश होते हैं और बहुत मुस्कुराने लगते हैं। तो ये थी एक गधे और उसके मालिक की कहानी। दोस्ती चाहे आदमी से हो, व्यक्ति से हो या फिर जानवर से हो, वो लेकिन सच्ची होनी चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। यदि उस दोस्ती में स्वार्थ जहाँ पनप गया तो फिर वो दोस्ती नहीं रह जाती है। उसके मालिक की दोस्ती की सच्ची आस्था ने ही उस गधे को बाहर तक निकाला है। तो ये छोटी सी गधे और उसके मालिक की कहानी, लेकिन इस कहानी के पीछे का जो निचोड़ है, इसका जो मूल अर्थ है, वो है एक सच्ची आस्था, सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती के बीच की आत्मीयता, जिसने उस नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।